नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय उनकी पत्नी वर्षा राउत से आज पूछताछ कर रही है। दोपहर बाद ईडी दफ्तर पहुंची तो एनआईए ने विशेष अदालत को बताया कि अमरावती के फार्मासिस्ट हत्या मामले में गिरफ्तार दो नए आरोपी हत्या का जश्न मनाने के लिए आयोजित बिरयानी पार्टी में मौजूद थे। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुखपत्र सामना के संपादक रहे संजय राउत के जेल जाने के बाद उनका काम संभाल लिया है। तो उधर मुंबई के नगर अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कोई चोर नहीं है। उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधा। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय उनकी पत्नी वर्षा राउत से आज पूछताछ कर रही है। दोपहर बाद वे ईडी दफ्तर पहुंची, उसके साथ उसकी बेटी, दामाद और संजय राउत के भाई सुनील राउत भी मौजूद थे। ईडी 1,08,00,000 रुपए की उन लेन देन के बारे में सवाल जवाब कर रही है जो उनके खाते में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजे गए थे। सूत्रों के अनुसार ईडी वर्षा राउत से दादर स्थित गार्डन कोर्ट इमारत में फ्लैट अलीबाग में खरीदी गई जमीन के बारे में पूछताछ कर सकती है। बता दें कि इसी इमारत में संजय राउत को ईडी की हिरासत में रखा गया है। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी वर्षा राउत और संजय राउत को आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ कर सकती है। गिरफ्तारी के पहले संजय राउत के घर पर ईडी के अधिकारियों ने तकरीबन 9.5 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की थी। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, हमने इस मामले में एसडीआईएल के प्रवीण सारक वधावन, राकेश वधावन और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। जांच के दौरान ईडी को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया था कि प्रवीण ने वर्षा को कथित तौर पर 55,00,000 रुपए का भुगतान किया था और भुगतान प्रवीण की पत्नी ने अपने बैंक खाते के माध्यम से किया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि संजय राउत की यात्रा का खर्च प्रवीण ने वहन किया, जिसमें उनके होटल में ठहरने और हवाई टिकट शामिल थे। बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत इसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में 1,034 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक विशेष अदालत को बताया कि अमरावती के फार्मासिस्ट की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए दो नए आरोपी की हत्या जश्न मनाने के लिए आयोजित बिरयानी पार्टी में मौजूद थे। एनआईए ने गत बुधवार को अमरावती के फार्मासिस्ट उमेश कोल्ले की हत्या के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने अमरावती से गिरफ्तार किए गए आरोपी मौलवी मुशफिक अहमद और अब्दुल अरबाज को हिरासत में लेने की मांग करते हुए आरोप लगाए। आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एके लाहौटी के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 12 अगस्त एनआईए की हिरासत में भेज दिया। जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि दोनों ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों को अपराध करने के बाद पनाह दी थी। सूत्रों के मुताबिक मौलवी मुशफिक अहमद और अब्दुल अरबाज पर संदेह है कि दोनों ने हत्या के लिए पैसे जुटाए और अन्य आरोपियों को पनाह दी। बुधवार को गिरफ्तार किए गए दो और लोगों के बाद मामले में संबंध में अब तक 9 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए ने दावा किया है कि हत्या के बाद जश्न मनाने के लिए एक बिरयानी पार्टी आयोजित की गई थी और मुशफिक और अब्दुल उसी पार्टी में मौजूद थे। यही नहीं, मुशफिक ने हत्या के बाद कथित मास्टरमाइंड शेख इरफान के साथ फोन पर भी बात की थी, जबकि अब्दुल इरफान द्वारा संचालित संगठन के साथ ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। हत्या का कथित मास्टरमाइंड इरफान रहबर हेल्पलाइन नाम से एक स्वयंसेवी संगठन चलाता है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुखपत्र सामना के संपादक रहे संजय राउत के जेल जाने के बाद उनका काम संभाल लिया है। इसके पहले उद्धव ठाकरे को एक बार फिर अखबार के संपादक के रूप में नामित किया गया। 3 साल पहले उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को सामना के प्रधान संपादक की जिम्मेदारी दी गई थी। अब सामना अखबार में संपादक के तौर पर उद्धव ठाकरे का नाम लिखा गया। सामना का संपादक अब तक ठाकरे परिवार के पास ही रहा है। वही राज्यसभा सांसद संजय राउत को कार्यकारी संपादक बनाया गया है। पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने पिछले दिनों संजय राउत को अरेस्ट कर लिया था और फिलहाल वह हिरासत में है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक का पद संभाला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना की शुरुआत
1989 में हुई थी। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे अखबार के संपादक के रूप में काम किया था। 2012 में उनकी मृत्यु के बाद उद्धव ठाकरे को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकरे ने संपादक का पद छोड़ा था और उनकी जगह उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने ले ली थी। अब फिर से शिवसेना के मुखपत्र सामना को ठाकरे ने अपने हाथ में ले लिया है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, तो वहीं महाराष्ट्र में भी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा महाराष्ट्र को लेकर दिए गए बयान और महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ राजभवन का घेराव किया। मुंबई में नगर अध्यक्ष भाई जगताप के नेतृत्व में एक मार्च निकाला गया। मार्च को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद आक्रामक हुए जगताप ने एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कोई चोर नहीं है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधा। भाई जगताप ने कहा कि हम लगातार गरीबी और महंगाई के मुद्दे उठाते रहे हैं। हमने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लगभग 20 से 25 ज्ञापन दिए हैं, लेकिन वे सिर्फ बयानों से हंसते हैं। वे चुटकुले बनाते रहते हैं जो हमने कभी नहीं सुने। हमने भी 40 साल राजनीति में बिताए। यह भयावह है कि लोकतंत्र में संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है। उन्होंने अपना गुस्सा इस बात पर भी जाहिर किया कि उन्होंने ऐसा राज्यपाल नहीं देखा है। केंद्र और राज्य सरकार हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे हम पराए हैं। उनका बर्ताव हमें लेकर ब्रिटिश शासन जैसा है। अगर हम संविधान के तहत विरोध कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके खिलाफ महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। इसके अलावा मुंबई कलेक्टर और बीएमसी को कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया है। बता दें कि शेख पर मालवनी के मड मारवे इलाके में 1,000 करोड़ रुपए के स्टूडियो घोटाले का आरोप लगा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के मुताबिक असलम शेख ने पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर अवैध स्टूडियो का निर्माण करवाया था। अब इन्हीं पर कार्रवाई का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। किरीट सोमैया के मुताबिक जल्द ही इन पर बुलडोजर चल सकता है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने असलम शेख पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मडमारवे इलाके में समंदर किनारे असलम शेख मित्र परिवार में गैरकानूनी तरीके से 1,000 करोड़ रुपए की कीमत के अवैध स्टूडियो बनवाए हैं जो पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्रालय ने उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ऐसे में जल्द ही उन अवैध स्टूडियो पर बीएमसी का बुलडोजर चल सकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख कुछ दिनों पहले अचानक सुर्खियों में आए थे। दरअसल उन्हें बीजेपी नेता मोहित कंबोज के साथ एक गाड़ी में जाते हुए देखा गया था। बाद में पता चला कि उन्होंने कंबोज के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद से ही यह अटकलें लगने शुरू हो गई थी कि असलम शेख भी जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। देश में नए उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी है। सुबह 10 बजे शुरू हुए मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, तो विशेष कोर्ट में ईडी ने अर्पिता की जान को खतरा बताया है। ईडी ने कहा है कि उन्हें जो भी खाना दिया जाए उसे पहले से चख लेना जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। उसके अनुसार मेडिकल एडवाइस मिलने पर अविवाहित महिलाओं को 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाज़त दी सकती है या नहीं, ये तय करने कानून की व्याख्या की जाएगी। तो उधर नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की तैयारी कर रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा की शुरुआत की है। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश को नए उपराष्ट्रपति मिलने वाले हैं, जिसके लिए आज संसद भवन में मतदान जारी है। सुबह 10 बजे से शुरू मतदान शाम को 5 बजे तक चलेगा। इसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी। इस चुनाव में एनडीए ने बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीश धनखड़ को उतारा है, जबकि उनके खिलाफ विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा मैदान में है। मालूम हो कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही वोट देते हैं। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, लेकिन अभी 8 सीटें खाली पड़ी है। ऐसे में मतदाताओं की संख्या 780 है। वही जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि वो इस चुनाव में शामिल नहीं होगी। मौजूद वक्त में उनके 36 सांसद हैं।
ऐसे में 744 सदस्यों के मतदान की उम्मीद है। एनडीए के सहयोगी दलों की बात करें तो धनगढ़ को 527 वोट मिल सकते हैं, जबकि जीतने के लिए 372 वोट से ज़्यादा चाहिए। ऐसे में धनगढ़ को मिलने वाले वोट प्रतिशत 70% के आसपास रहेगा, जो एम वेंकैया नायडू को मिले मतों से 2% ज़्यादा है। वैसे एनडीए के अभी 441 सांसद हैं, लेकिन धनगढ़ को कई अन्य गैर एनडीए दलों का भी समर्थन प्राप्त है। इसमें नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, अकाली दल और शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट शामिल है। कुल मिलाकर 81 सांसद है। वही मार्गरेट अल्वा को 26% वोट यानी करीब 200 की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल की बहुचर्चित शिक्षा घोटाला में फंसे ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी इन दिनों ईडी की कस्टडी में है। जांच में दोनों के खिलाफ ईडी को कई सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर अब अर्पिता मुखर्जी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय चिंता हो रही है। अर्पिता की सुरक्षा कड़ी करने की बात की गई है। बंगाल की ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी का नाम शिक्षा घोटाले में आने के बाद उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। विशेष कोर्ट में ईडी ने अर्पिता की जान को खतरा बताया है। अदालत में ईडी की बयान के मुताबिक इस समय अर्पिता सुरक्षित नहीं है, ऐसे में उन्हें जो भी खाना दिया जाए उससे पहले चख लेना जरूरी है। जबकि पार्थ चटर्जी के मामले में ईडी ने उनकी जान को लेकर किसी खतरे से इनकार किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया कि पार्थ चटर्जी की जान को खतरे को लेकर कोई इनपुट नहीं है, लेकिन अर्पिता को जान का खतरा है। बता दें कि ईडी को जांच के दौरान कई अहम सबूत मिले हैं, जिसके बाद अर्पिता और पार्थ 14 दिन की कस्टडी की मांग ईडी की ओर से की जा रही है। दरअसल शिक्षा घोटाला से जुड़ा धन अर्पिता मुखर्जी के पास से बरामद हुआ है। मामले में अर्पिता की भूमिका और पार्थ चटर्जी की गोपनीय जानकारी रखने के कारण अर्पिता की जान को खतरे की आशंका व्यक्त की जा रही है। ईडी को अर्पिता के पास से मिली LIC 31 पॉलिसी में नॉमिनी पार्थ चटर्जी को बनाया गया है। ऐसे में ईडी दावा कर रही है कि पार्थ और अर्पिता एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। क्या मेडिकल एडवाइस मिलने पर ही अविवाहित महिलाओं को 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाज़त दी सकती है या नहीं, यह तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून की व्याख्या करने का फैसला किया है। अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार न देने को उनकी निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन करार देने संबंधी अपने महत्वपूर्ण निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP कानून तथा संबंधित नियमों की व्याख्या करेगा, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या चिकित्सा सलाह पर अविवाहित महिलाओं को भी 24 सप्ताह गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB परदीवाला की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से इस प्रयास में न्यायालय को मदद करने का आग्रह किया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि कानून के तहत अपवाद मौजूद है तो चिकित्सा सलाह पर 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने वाली महिलाओं में अविवाहित महिलाओं को क्यों नहीं शामिल किया जाए। कानून में पति के स्थान पर पार्टनर शब्द रखने से ही संसद का इरादा स्पष्ट समझ में आता है। यह दर्शाता है कि उनसे अविवाहित महिलाओं को उसी श्रेणी में रखा है जिस श्रेणी में महिलाओं को 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति है। नेशनल हेराल्ड केस में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के खिलाफ कांग्रेस लालबंद है। उधर प्रवर्तन निदेशालय फिर से सोनिया गांधी की और राहुल गांधी से पूछताछ की तैयारी कर रहा है। ईडी को कुछ सुराग मिले हैं जो इशारा करते हैं कि शेल कंपनियों के जरिए 2019 में यंग इंडियन और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी AGL में पैसा जाता रहा। फरवरी 2016 में नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गांधियों व अन्य के खिलाफ ट्रायल रोकने की याचिका खारिज कर दी थी। सुराग इस ओर इशारा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के काफी बाद यंग इंडियन और AGL में शेल कंपनियों से पैसा लगता रहा। ईडी ने हालिया छापेमारी में मिले दस्तावेजों से 2018-19 तक चली कथित हेराफेरी का पता लगाया है। ईडी ऑफिसर्स को लगा था कि सुप्रीम कोर्ट इस झटके के बाद कथित संदिग्ध लेन देन बंद कर दिए गए होंगे। यह फंडिंग उस 1 करोड़ रुपए से अलग है जो कि यंग इंडियन को कोलकाता की शेल कंपनी डॉटेक्स मर्चेंडाइज से मिली। यंग इंडिया में सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है। यंग इंडियंस में डॉटेक्स से रकम में से 50 लाख रुपए का इस्तेमाल कांग्रेस के AGL को खरीदने में किया। अगर शेल कंपनियों और विदेशी फंड्स अरेंज करने में उनकी भूमिका की जांच आगे बढ़ती है तो सोनिया और राहुल और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे व अन्य को फिर से पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है। खड़गे यंग इंडियन के CEO है।
केंद्र सरकार ने 11 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा पंजीकरण सुविधा की शुरुआत की है। इस रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए अधिकतम कवरेज प्रदान करता है। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत लगभग 79.77 करोड़ लोगों को अत्यधिक रियायत आधार पर खाद्यान्न दिया जाता है। इस हिसाब से 1.58 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि सामान्य पंजीकरण सुविधा का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों की शीघ्र पहचान कराना है, साथ ही इस तरह के लोगों की राशन कार्ड जारी करने की मदद करना है ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता का लाभ उठा सके। पिछले 7 से 8 वर्षों में अनुमानित 18 से 19 करोड़ लाभार्थियों से जुड़े लगभग 4.7 करोड़ राशन कार्ड विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पात्र लाभार्थियों को नियमित आधार पर नए कार्ड भी जारी किए जाते हैं। वेब आधारित नई सुविधा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर उपलब्ध होगी। इस महीने के अंत तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुरू कर दिया जाएगा। सचिव के अनुसार इन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं। चीन अब ताइवान पर कब्जा करने की आखिरी तैयारी कर रहा है और ताइवान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। खुद ताइवान की सेना ने इसकी आशंका जताई है। तो ब्रिटेन में एक डिबेट के बाद हुई वोटिंग में ऋषि सुनक ने अपनी प्रतिद्वंद्वी और ब्रिटिश विदेशी मंत्री ली स्ट्रस को हरा दिया है। वहीं एनआईए के सर्च ऑपरेशन के दौरान भारत और श्रीलंका में ड्रग और हथियारों के अवैध व्यापार से जुड़े एक मामले में पाकिस्तान कनेक्शन का पता चला है। तो उधर उत्तर कोरिया रूस को 1 लाख सैनिक देने के लिए राजी हो चुका है। रूस ने इन 1 लाख सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया को क्रूड ऑयल और गेहूं देने की बात की है। इसी बीच इजराइल ने गाजा पर कई हवाई हमले किए जिससे हमास के एक वरिष्ठ कमांडर समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल भी हो गए हैं। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारी तनाव के बीच ताइवान की सेना ने दावा किया है कि चीन की सेना ने युद्ध का नकल शुरू कर दिया है जिसमें चीन के विध्वंसक जहाजों के साथ फाइटर जेट्स शामिल है। ताइवान की सेना ने कहा है कि ताइपे की सेना ने ताइवान जलडमरू मध्य के आसपास गतिविधियों का संचालन करने वाले विमानों और जहाजों के कई जत्थों का पता लगाया है जिनमें से कुछ ने मध्य रेखा को पार भी किया है। उन्हें ताइवान के मुख्य द्वीप पर हमले करने की नकल करते हुए पाया गया है। ताइवान का ये दावा काफी सनसनीखेज है क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन पर अब ताइवान पर कब्जा करने की आखिरी तैयारी कर रहा है और ताइवान पर भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। बता दें कि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से नाराज चीन ताइपे के आसपास ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। इसी बीच ताइवान की सेना ने एक दिन पहले दावा किया था कि 68 चीनी लड़ाकू विमान और 13 युद्धक जहाजों ने ताइवान जलडमरू मध्य में ताइवान और चीन को अलग करने वाली अनौपचारिक मीडियन लाइन का उल्लंघन किया है। चीन के सामने ताइवान की सैन्य ताकत ना के बराबर है। ताइवान के मुकाबले चीन के पास करीब 12 गुना ज्यादा सैनिक है। पूरी ताकत लगाने के बाद ताइवान सिर्फ चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है, उसके अलावा ताइवान के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिर भी चीन के लिए ये लड़ाई उतना आसान नहीं होगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की रेस से भारतीय मूल के ऋषि सुनक अभी तक बाहर नहीं हुए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा के जरिए ऋषि सुनक को रेस से बाहर दिखाना चाहता है। ऋषि सुनक के खिलाफ ब्रिटिश मीडिया में कई तरह की निगेटिव खबरें चल रही है जिनमें उनकी संपत्ति और उनकी पत्नी के कपड़ों की कीमत पर भी चर्चा की जा रही है। लेकिन जब वोटिंग लोगों के बीच होती है तो ऋषि सुनक ही विजेता बनकर सामने आते हैं, जबकि टीवी और अखबारों के ओपिनियन पोल में ऋषि सुनक को काफी पीछे बताया जाता है। स्काई न्यूज पर हुई डिबेट के बाद हुई वोटिंग में ऋषि सुनक ने अपनी प्रतिद्वंद्वी और ब्रिटिश विदेशी मंत्री ली स्ट्रस को हरा दिया है। दोनों नेताओं के बीच की ये बहस आमने सामने हुई थी जिसमें ऋषि सुनक ने जीत हासिल की है।
टीवी बहस बैटल फॉर नंबर 10 की बहस के दौरान कंजर्वेटिव पार्टी के दोनों नेताओं के बीच जोरदार बहस हुई और लाइव बहस के दौरान दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बातें दर्शकों के सामने रखी। इस दौरान स्काई न्यूज ने बहस में वोट डालने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के उन सदस्यों को बुलाया था जिन्होंने अभी तक तय नहीं किया है कि किस उम्मीदवार को वोट देना है, लिहाजा उनका वोट काफी मायने रखता है और ये नतीजे बदल सकता है। दोनों उम्मीदवारों ने बहस के दौरान वोटरों को रिझाने की कोशिश की, लेकिन जब वोट डाले गए तो टीवी स्टूडियो में सदस्यों ने ऋषि सुनक को अपना प्रधानमंत्री चुना था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में अवैध ड्रग्स तस्करी को लेकर जांच की है। NIA के सर्च ऑपरेशन के दौरान भारत और श्रीलंका में ड्रग्स और हथियारों के अवैध व्यापार से जुड़े एक मामले का पता चला है। इस अवैध कारोबार के पाकिस्तान कनेक्शन का पता चला है। ये मामला पाकिस्तान स्थित एक सप्लायर के साथ काम करने वाले श्रीलंकाई ड्रग माफिया से जुड़ा है। एक जानकारी में कहा गया है कि श्रीलंकाई ड्रग माफिया की गतिविधियां संदिग्ध है। मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं NIA के सूत्रों की माने तो श्रीलंकाई ड्रग माफिया के ठिकाने से लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों के साथ 60 से अधिक मोबाइल फोन और 50 से अधिक सिम कार्ड जब्त किए गए थे। मामले में NIA ने 20 जुलाई को तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुपुर, चेंगलपट्टू और तिरुची जिलों में आरोपियों और संदिग्धों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहीं अब NIA के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सी गुनाशेखरन उर्फ गुना, पुष्पराज उर्फ कुकुट्टी कन्ना के संपर्क पाकिस्तान के ड्रग और हथियार आपूर्तिकर्ता हाजी सलीम से थे। भारत और श्रीलंका मामले में अवैध ड्रग्स और हथियारों के व्यापार के संबंध में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में ये तलाशी ली गई। अगर जांच में पुष्टि होती है तो ये अपने आप में एक नए तरह का मामला होगा, जिसकी परतें खुली तो पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब होगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर पाक के खिलाफ भारत का सबूत और पुख्ता होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जब शुरू हुई थी तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये इतनी लंबी खिंच जाएगी। फिलहाल इस जंग के दूर दूर तक खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में रूस ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खोया है, जिसके बाद पुतिन को दूसरे देशों से सैनिक आयात करने की जरूरत आ पड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से 1,00,000 सैनिकों की डिमांड की है। रूस ने इन 1,00,000 सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया को क्रूड ऑयल और गेहूं देने की बात कही है। इस शर्त पर उत्तर कोरिया रूस को सैनिक देने के लिए राजी हो चुका है। उत्तर कोरिया ने राजनयिक चैनलों के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है कि वो युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए रूस का सहयोग करेगा। वो रूस के पक्ष में संतुलन बनाने के प्रयास में एक विशाल लड़ाकू बल की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। इन सैनिकों के लुहांस्क और दोनेस्क में रूस समर्थित अलगाववादी सेना में शामिल किया जाएगा। बता दें कि यूक्रेन के इन दो प्रांतों के हाल ही में किम जोंग उन ने स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। क्रेमलिन समर्थक समाचार एजेंसी के मुताबिक उत्तरी कोरिया अपने 1,00,000 सैनिकों को डोनबास में स्थानांतरित करने के लिए तैयार हो गया है। इसके बदले पुतिन किम जोंग की त्रस्त अर्थव्यवस्था को उबारने का काम करेंगे। मॉस्को में एक रक्षा विशेषज्ञ कर्नल इगोर कोरोटचेंको ने कहा कि उत्तर कोरियाई लोग कोई मांग नहीं करते और सबसे खास बात यह है कि वे प्रेरित होते हैं। इसराइल ने शुक्रवार को गाजा पर कई हवाई हमले किए, जिससे हमास के एक वरिष्ठ कमांडर समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल भी हो गए हैं। फलस्तीन के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इसराइल ने कहा है कि कब्जे वाले पश्चिमी तट में इस सप्ताह के प्रारंभ में एक वरिष्ठ फलस्तीनी विद्रोही की गिरफ्तारी के कारण बढ़े तनाव के बीच उसने गाजा पर हमला किया। इसराइल ने देश में भी विशेष स्थिति की घोषणा की है, जहां सीमा से 80 किलोमीटर के दायरे में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों की अन्य गतिविधियां रोक दी गई है। बता दें कि सोमवार को कब्जे वाले पश्चिमी तट में हमास के एक वरिष्ठ सदस्य की गिरफ्तारी के बाद हमले की आशंका में इसराइल ने इस सप्ताह की शुरुआत में गाजा के आसपास की सड़कों को बंद कर दिया था और सीमा पर अतिरिक्त जवानों को भेजा था। देखा जाए तो इसराइल और फलस्तीन के हमास के बीच 15 वर्षों में 4 युद्ध और कई छोटी झड़पें हुई है। हालिया समय में सबसे भीषण लड़ाई मई 2021 में हुई थी और इस साल के शुरुआत में भी इसकी आशंका बढ़ गई थी। हमास के प्रवक्ता फावजी बरहोम ने कहा कि गाजा के खिलाफ भड़कावे की कार्रवाई शुरू करने वाले इजरायली दुश्मनों ने अपराध किया है, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। हम लड़ाई शुरू कर रहे हैं और फलस्तीनी प्रतिरोध को इस आक्रामकता के खिलाफ एकजुट खड़ा होना होगा। तो बीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।